यार आप इस तरफ चले गए। नहीं नहीं गुस्ताखी है कि नहीं, मैं कहता हूँ ये चार बातें आपके बंदी खत्म कर दो, हम सीधे से लगाने के लिए तैयार है। आपके हम नहीं मानते, इसके लिखने वाले को भी हम कहते हैं इसमें कुफ्र किया है, गलत किया है, आपके हम इनको भी नहीं मानते, तो आपको सीधे लगाते हैं, आप हमें सही लगाए दर साहब का मसला ही है। पढ़े क्या तबलीगी निसाब में बार बार वो वाक्यात नहीं है जिसमें या रसूलल्लाह या मोहम्मद का जिक्र बकायदा, क्या ये वाक्या नहीं है? पूरा वाक्या लिखने के बाद मौलाना साहब लिखते हैं, ज़करिया साहब लिखते हैं, तो पता चलता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर मुसीबत वाले की मुसीबत में पहुंचते हैं जो दुरूद पाक पढ़ता है, तो कैसे पहुंचते हैं? जिंदा ही नहीं है तो नहीं, जिंदा तो है यार, हाजर नाजर नहीं है तो कैसे पहुंचते हैं? हाजर नाजर, हाजर नाजर क्या है? हाजर इनके लिहाज से नहीं, अल्लाह की अता से। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कहा लिखा हुआ है आजम? ये गलत तर्जमा, आप तबरीज जमा भी इसी तरह गलत सच है ना, तर्जमा करें रसूल आजम नाजर नहीं है, किस आयत का तर्जमा है, किस हदीस का है, झूठ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के तरह के जी अल्लाह का सिवा एक ही है, इस तरह अलग बात कोई ना, आप तो कहते हैं झूठ बोल सकता है। अब अगर देखिए हम इसके इंतजार में बैठे हुए हैं ना, डीसी साहब के, हम डीसी साहब के इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक है सारे, हालांकि हम भी तो ठीक ठाक लोग यार, मतलब कैसे हैं तो सब के लोग नहीं है, सही है, सही है, हम इंतजार में बैठे क्यों, इसलिए कि उसके पास कुछ इख्तियार है, ठीक है ना, अगर मतलब ये नहीं कि वो किसी पास से नहीं है, नहीं उसे इख्तियार दिया था भी उस बंदे ने आके कहा है, किस को कहा है, दो बंदे आए, अल्लाह ताला ने तो पांच आए अपने, वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, उसने उसको इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ने उसके पास रखा, ये कौन कहता है? वो फरमाता कुल इल्लाहुम मालिक अल मुल्क, मेरा मुल्क के पास नहीं, तू फिर मुल्क का मन तशा, मैं जिसे चाहता हूँ इख्तियार है मेरे पास, मैं उसको मालिक बना देता हूँ। अब झगड़े का कोई मसला नहीं है, उस्ताद साहब लिखते हैं कि हाजर नाजर समझ के हुजूर को अगर पढ़ा जाए तो कोई आज नहीं, नहीं नहीं वो कोई कोई कम नहीं है। अच्छा मेरी मेरी बात वो आज हमारे यार की बात सुनो, इतना भी बातें छोड़ो, इत्तेफाक की बात करो, एक वकील ने सबको जमा किया, अपने इख्तलाफ करने लगा, नमाज में अल्लाह भी है उसका रसूल भी है, माना ले मददगार क्यों नहीं? जबकि आप मुझे ये बताएं क्या इसमें कैद है, जिंदा बंदा मदद कर सकता है, मुर्दा नहीं, जबकि आप कहते नहीं नहीं जिंदगी के लिए और है, हालांकि वो चीज़ नहीं है। अगर खुदा समझ के ना मांगी जाए, चाहे वो जिंदा से मदद मांगी जाए या जिसके लिए रब ने कहा है कि वो बाद मरने के भी कर सकते हो उससे मदद मांगी जाए, कोई आज नहीं अल्लाह नहीं समझता मदद की, पांच नमाजें रह गई, मदद की ना उन्हें अल्लाह अल्लाह उसके रसूल में था, ये तो आपने